दमोह जिले में कोरोना कोविड-19 को पराजित करने के लिए जिले के प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 25 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक सर्दी खांसी जुकाम बुखार का इलाज नहीं करेंगे। ऐसे मरीजों को फीवर क्लिनिक तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तुलसा ठाकुर के मार्गदर्शन में एक बैठक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर दमोह में आयोजित की गई, जिसमें कई निजी डॉक्टर शामिल हुए। उपस्थित चिकित्सकों ने संकल्प भी लिया कि शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी मरीजों को फीवर क्लिनिक में ही भेजने का संकल्प लिया। आयोजन माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सभी प्राइवेट चिकित्सकों को बुलाया गया था और उनके निर्देशानुसार कहा गया कि 10 दिनों तक ये आने वाले 10 दिनों तक सर्दी जुकाम खांसी बुखार के मरीज ना देखें और स्वयं ना देखकर इनको रेफर करें जिला अस्पताल या फिर फीवर क्लिनिक रघुजर अस्पताल, ताकि उनका समय से हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये कोविड के पेशेंट हैं। आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो उनका समय से ट्रीटमेंट हो जाएगा असिम्प्टोमेटिक या माइल्ड कंडीशन में और हमारी डेथ रेट भी इससे कम होगी और साथ साथ जो है हमारे जो पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है वो पॉजिटिविटी रेट भी कम हो जाएगी, क्योंकि ये यदि आइडेंटिफाई इस तरह से हो जाएंगे तो ये दूसरों को नहीं फैला सकेंगे। संकल्प का उद्देश्य कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी लाई जा सके और इस लड़ाई में पूरी तरह से जीत सके और दमोह जिले से कोरोना को भगा सके। कोरोना नामक महामारी को हटाने के लिए आने वाले 10 दिनों तक किसी भी बुखार सर्दी खांसी मरीज को इलाज नहीं प्रदान करेंगे एवं उन्हें जिला अस्पताल में बनी फीवर क्लिनिक में रेफर करेंगे। एशियन भारत के लिए दमोह से गणेश अग्रवाल की रिपोर्ट।